गोरखपुर में परिवार के साथ यात्रा कर रहे युवक टप्पेबाजी का शिकार हुआ। यात्री का आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर ने ही उसका सामान चोरी किया है। पीड़ित का आरोप है कि यात्रा के दौरान उसने अपने कीमती सामान को टैक्सी के ऊपर रखने का एतराज जताया था। साथ ही यात्री ने ड्राइवर से सामान चोरी का आशंका व्यक्त की थी, लेकिन ड्राइवर ने सवारी बैठाने का झांसा देकर सामान टैक्सी के ऊपर रख दिया। वहीं नौसड़ पहुँचने पर यात्री ने जब अपने सामान की तलाशी ली तो उसने देखा कि बैग काट कर उसमें से नकदी समेत कीमती जेवरात चोरी हो गए थे। ऐसे में पीड़ित यात्री ने नौसड़ चौकी पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि पीड़ित यात्री महाराजगंज अपनी ससुराल से वापस गोरखपुर आया था। वहीं कचहरी से परिवार के साथ अपने गांव जाने के लिए उसने सवारी टैक्सी पर सवार हुआ था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित यात्री शिव कुमार ने कहा, फोन आया था हमारा नाम शिव कुमार, हमारा बीबी का नाम रिंकू देवी है। हमारे साथ सर 12,000 रुपया मेरे पास था और पॉजिटिव था, एक नाकमा का था। और कचहरी से जब मैं बैठा हूँ, कचहरी से उसके बाद में मैं ड्राइवर से बोला मेरा सामान बैग में अपने पास क्यों रखूँगा, तो ड्राइवर बोला कि सामान बैग में ऊपर बांधूंगा, सवारी कहाँ बैठा हूँ। और बोला अपने बैग हाथ में रख लूँगा, बोला नहीं ऊपर रख दीजिए, हम भाई जिंदगी तुम्हारा होगा, तो बोला ठीक है। और उसके बाद में तो सवारी से कोई सवारी नहीं था, हम भी था, एक लड़का दवाई लेकर रखा था तो उसका बैग माना। उसके बाद 3-4 लोग ऊपर चढ़ गए, जब चढ़ गए उसके बाद में बोला भाई, उसके बाद छत पर चढ़ने लगा तो बोला भाई छत पर क्यों चढ़ रहे हो, तो बोला कि मैं खलासी कर रहा हूँ। तो बोला उड़िया से कितना सवारी लगा ऑटोमेटिक भरने के लिए, तो ड्राइवर तो बोला भाई ऊपर चढ़ने लगा, तो ड्राइवर बोला मेरा गाड़ी रोके, हमारा बैग उठा दीजिए। तो मैं बैग ऊपर चढ़ा तो देखा मेरा बैग फटा था, तो उसमें मैं हाल ही सामान कुरकुरे दिया सड़क पर, तो देखा उसमें कोई सामान ही नहीं था को मेरा बैग में। पॉजिटिव था सर, और एक कान नाकमा का था, और 12,000 रुपया था सर। हमको जाना था ढेबरा सिकरीगंज।